हाय गाइस, दिस इज ईशा पाठक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बजूका टीवी। आज मैं रूबी को ऐसा अगर तुम केतकी को सच्चाई बता सकते हो तो अपने ही भाई को क्यों नहीं? इसीलिए नहीं बता पाया। सगाई टूट जाने के बाद गौरव और रूबी एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे किसी ने एहसास दिलाया कि जब मैं रिश्ता अपनी मर्जी से जोड़ता तो मेरे अपने को भी रिश्ता जोड़ने का अधिकार। मुझे एहसास हुआ इतने अहंकार में मैंने जो तोड़ा था वो सिर्फ गौरव के साथ रिश्ता नहीं, रूबी का दिल भी था। और इसलिए मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। और आज मैं रूबी को वचन देता हूँ कि रूबी की शादी वही होगी जहाँ उसकी मर्जी होगी। राखी के फंक्शन के बाद मैं खुद जाके रूबी का रिश्ता गौरव के घर वालों के पास लेके जाऊंगा। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है बजूका टीवी में। थैंक यू। हाँ, सो घर में राखी का एक फेस्टिव सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसमें एक बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है। सो ड्रामा हो भी रहा है और एक बहुत बड़े ड्रामा का कंक्लूजन भी है एंड इट्स अ गुड ट्विस्ट टू सी। सो आई होप इट विल बी फन फॉर यू टू वॉच इट। कालिंदी को फ़ोन आता है। देयर इज दिस बिग ट्विस्ट। एक्चुअली फ़ोन आता नहीं है, फ़ोन किया जाता है टू समबडी। जैसे हमेशा होता है, वो अगर केतकी खुश है तो कालिंदी दुखी रहेगी, कालिंदी खुश है तो केतकी को दिक्कत होगी। सो फॉर नाउ केतकी के काफ़ी सारे टेंशन रिलीफ हो गए, वो हैप्पी है। नाउ कालिंदी जल बुन करके वो कुछ तो प्लानिंग कर रही है, कुछ आगे का बहुत मिस्टीरियस चीज़। सो शी इज़ कॉलिंग समबडी टू कम होम एंड इट विल क्रिएट अ ड्रामा। हाँ जी, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? हम तो सी देयर इज दिस ह्यूज सेलिब्रेशन जो मेरी बिल्डिंग के नीचे होता है एंड आई ऑलवेज जॉइन दैट। तो सुबह से उठ करके बस फ्लैग होस्टिंग एंड ऑल एंड अच्छा लगता है, गाना वाना गाते हैं, थोड़ा सा फन करते हैं एंड इट्स अ ग्रेट सेलिब्रेशन एंड अ ग्रेट थैंक यू टू ऑल ऑफ द ग्रेट सोल्जर्स ऑफ आवर्स। स्कूल की कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे आप? 15 अगस्त के दिन लोग जाते थे। स्कूल की तो मेमोरी है लाइक हाँ, एक खुशी होती थी कि अगस्त में, क्योंकि छुट्टियाँ थोड़ी सी कम होती हैं तो खुशी इस बात की होती थी कि चलो राखी तो मिल रही है, 15 अगस्त की भी छुट्टी है। और फिर सुबह से जाते थे एक अच्छे से कॉस्ट्यूम में, फ्लैग होस्टिंग होती थी, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने मिलती थी। तो बचपन की तो यही फ़न है, यही चीज़ें हैं और यही मेमोरीज़ हैं। या ऑफकोर्स, मैं तो कल्चरल हेड रही हूँ मेरे स्कूल की। सो आई यूज़ टू पार्टिसिपेट डांस में, सिंगिंग में एंड इफ़ यू गाइज डोंट नो आई एम प्रोफेशनली अ डांसर एंड सिंगर टू। सो मैं तो बहुत फन किया, बहुत पार्टिसिपेट किया। हाँ जी, ऐसा एक तो नहीं बोल सकती, मुझे अलग अलग मूवीज़ के अलग अलग पार्ट्स और अलग अलग सॉन्ग्स या अलग चीज़ें पसंद है। बट हाँ, जो भी चीज़ नेशन से रिलेटेड है वो खूबसूरत होती है। सो ऑल ऑफ देम आर वेरी नाइस। मैं जाने नहीं वाली हूँ, मेरे भैया आने वाले। मैं तो शूट्स पे थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ एंड आई नेवर मिस राखी। सो समहाउ इधर आई ट्रैवल, इधर ही ट्रैवल्स, तो पॉसिबल हो जाता है। साथी, सेट पे कौन सा, जो लोकेशन है सेट का, कौन सा आपका फेवरेट है? हमारे सेट पर
टफ क्वेश्चन बट आई लाइक आंगन. आंगन बहुत पसंद है मुझे फ्रॉम द डे वन. जब हमारे शो का पहला दिन था, पूजा पाठ हुई, तो मैंने जब सबसे पहली बार सेट घूमा, मुझे सबसे प्यारा लोकेशन लगा आंगन और उसमें वो फाउंटेन जो, एंड जब उस पर लाइट्स पड़ती है तो बहुत खूबसूरत लगता है. सो दैट्स माई फेवरेट. बिग थैंक यू, अ वेरी 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 हार्टली और बहुत बड़ा थैंक यू फॉर ऑल द लव. एंड आप मैसेजेस जो करते हैं बहुत प्यारे प्यारे, उनके लिए बहुत सारा धन्यवाद. ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें.